सर, ये दो युवकों के गुम होने का जो मामला था जिनमें से एक का शव मिला, आज तक की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? एक युवक का, जैसा कि आपको जानकारी है, 2 तारीख को शव मिल गया था। दूसरे युवक को तलाश उसी 1 तारीख से ही हमने शुरू कर रखी है और उसी की कड़ी में हमारी जो सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF, हमारे पुलिस के जवान, दूसरा डॉग स्क्वाड और दूसरे हमारे जो CCTV कैमरे हैं जो आसपास के, उनसे और दूसरे जो भी हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंस हम जो लेते हैं, उन सारों की भी हमने मदद ली है। ड्रोन भी हमने उड़ाया है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से भी हमने उसको तलाश करने के प्रयास किए हैं। उसके बाद में भी हमारी जो टीमें हैं, जो जो इलाके हैं जहाँ से कोई सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, उसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा कल ही हमने लगभग 70 लोगों की एक टीम थी जो ये नाहरगढ़ की पहाड़ी है, उसके चारों तरफ के जो थाने हैं, आमेर, ब्रह्मपुरी, उसके अलावा नाहरगढ़ रोड, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, दौलतपुरा और विश्व VKI, ये 8 थानों के जवान थे। प्लस हमारे को हमारे जो DIG साहब हैं कैलाश विश्नोई जी, उन्होंने वेस्ट जिले के भी हमें लगभग 30 के आसपास जो एक्सपर्ट इस मामले में CCTV देखने में हैं, वो लोग उपलब्ध कराए थे। तो वो सारे लोगों ने कल भी CCTV कैमरों से को देखने की और ढूंढने की कोशिश की है। इसके अलावा वही टीम आज भी उसी कड़ी के अंदर सारा वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो तलाश की है अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए आसपास के जो जगह हैं, प्लस कल जो हमारी जो DST की टीम है उसको भी अलग से टास्क दिया गया था। उसने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चोमू पुलिया और ये जो स्थान है जहाँ से जाने की संभावनाएँ रहती हैं, उन जगहों के अंदर भी तलाश की और आज भी तलाश जारी है। तो अब ये कि जो प्रयास हैं वो सारे टेक्निकल असिस्टेंस है उससे भी किए जा रहे हैं। दूसरा, हमारी जो टीमें रोज़ जो नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी जाती हैं, तो उधर भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं। सर, आप लोगों ने टेक्निकली यानी कि मोबाइल की लोकेशन, लास्ट कॉल, इन तमाम चीज़ों को भी एनालिसिस किया है, तो क्या इससे भी किसी प्रकार का कोई संदिग्ध या किसी के साथ लगातार संपर्क जैसी बात सामने आई? नहीं, इससे संबंधित जो हम लोग ये जो टेक्निकल असिस्टेंस से जो कॉल डिटेल या इनकी जो बातचीत है उसके बारे में, ये हमने पहले ही दिन से शुरू कर रखा है और उसके अंदर जो हमने अभी तक ये इनकी कॉल डिटेल वगैरह से जो जानकारियाँ मिलनी थी वो जुटाई है, लेकिन अभी तक इस लाइन पे भी हमें कोई विशेष सफलता नहीं। सर, क्या कोई हिरासत में है या कितने लोगों से आप पूछताछ कर चुके हैं? पूछताछ तो बहुत सारे लोगों से, और जो से लिंक लोग थे, जो जो जिनसे संभावना है कि उनसे जानकारी मिल सकती है, तो वो सारी जानकारियाँ, इसके अलावा जो हमने प्रयास किए वो भी। सर, अभी तक की थ्योरी में क्या लगता है कि भाई, जो बड़ा भाई है जो लापता है, क्या वो सस्पेक्ट मान रहे हैं अभी तक की थ्योरी में, या वो हादसे का शिकार हो गया है? नहीं, अभी जब तक इसके बारे में कोई स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं मिल जाती, तब हम ये नहीं कह सकते कि वो शक के दायरे में है या उनके साथ भी कोई घटना घटित हो गई हो या वो भी कोई एक्सीडेंट के शिकार हो गए। ये जब तक कोई स्पेसिफिक जानकारी मिलने के बाद ही हम बता सकते। सर, आशीष के शरीर पर चोट के निशान है, संभवतः भारी वस्तु से मारकर हत्या की है, और आपने कैमरे भी चेक करे, मोबाइल आपने टेक्निकल चेक किए, 11 दिन हो गए सर अभी तक पहाड़ी के नीचे उतरने के रास्ते में, क्या पुलिस को कुछ भी नहीं मिला? सर, क्या बहुत शातिराना तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी कोई हत्या की गई है, वो हमने अभी तक उस चीज़ को वो नहीं किया है। अभी तक जो मामला है वो एक्सीडेंटल ही पुलिस की जो जांच है उसमें सामने आया है, और बाकी हमारे प्रयास
जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई सफलता मिले। सर, यानी पुलिस की थ्योरी अभी एक्सीडेंट एंगल पर ही काम कर रही है? नहीं नहीं, एंगल तो हम सारे पे काम कर रहे हैं। एंगल तो जो जो भी पुलिस का शक करने का जो दायरा होता है वो उस लिमिट में सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमें एक जो युवक का शव मिला है उसमें हमें मर्डर जैसा कोई अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। एक लड़की का जिक्र भी हो रहा था सर, जिससे दोनों भाइयों ने बात की थी, क्या वो भी पूछताछ के बाहर? देखो, अब क्या होता है, परिवार के सदस्य बहुत सारे होते हैं। अब उनको हम जब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं हो तो उनको उस शक के दायरे में लाने वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जो भी लोग इसमें हमें लगता है कि जिनसे पूछताछ होनी चाहिए वो जो जानकारी जुटानी चाहिए वो जुटा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष और राहुल के पिताजी है। 11 दिन हो गए लेकिन अभी तक राहुल का कोई पता नहीं लगा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जमीन निकल गई कि आसमान खा गया, कि राहुल गया कहाँ? सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। सर, किस तरह की घटना हुई थी? दोनों भाई साथ गए थे, दुखद खबर आई है कि आशीष की डेड बॉडी आई है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। अब क्या आपको कार्रवाई चाहते हैं और कितने दिन कैसे बीत रहे हैं? सर, वो दोनों ऐसे साथ साथ गए थे, चाय पानी पी के बोल के गए थे हम जा रहे हैं घूम घाम के आ जाएंगे, फिर 1:30 बजे के बाद में कोई बात नहीं हुई। अब देखो क्या होता है। आशीष तो गया ही, अब राहुल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सर, देखिए गए थे कि हम चरण मंदिर नारगढ़ घूमने जा रहे हैं, रेगुलर जाते रहते थे? हाँ, पहले भी गए थे 1-2 बार, पर अब के बार दोनों भाई एक साथ ही गए थे बस, पहले किसी और के साथ जाते थे। सर, अब दोनों भाई में कितना प्यार था, मतलब दोनों भाई मतलब साथ? बहुत ज़्यादा, जैसे बाजार से कोई भी चीज़ लानी हो तो दोनों भाई कहें चारों ही खाते थे, हम अकेले नहीं खाते थे, यहीं ला के ही खाते थे घर पे ही, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं। सर, पुलिस ने कैमरे भी चेक किए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आसपास कैमरे भी नहीं मिले। फ़ोन आपसे फ़ोन भी बंद, शायद बंद आ रहा है, फ़ोन भी बंद आ रहा है, तो ऐसे में एक संशय हो गया है, एक रहस्यमय हो गया है कि आखिर ये रहस्य क्या रहस्य में आपको भी लगता है सर, कोई पंडित पुजारी से कोई बातचीत की हो? पंडित पुजारी यही कहते हैं कि आ जाएंगे, अभी राहुल जिंदा है, अगर 2-4 बार पूछी, 2-3 जगह पूछी कि भाई वो छोरा जिंदा है, आ जाएगा, चिंता मत करो। अगर पुलिस भी हेर रही है और भी बाकी के भी हेर रहे हैं, पुलिस इन सब चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं नारगढ़ में, जैसे चेतन की एक लाश मिली थी, नारगढ़ किले के बारे में सब जानते कि किस तरह से नारगढ़ किले का रहस्य है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, तो आप इनकार नहीं कर सकते किसी रहस्य से, तो आप इसको किसी पुजारी के भी संपर्क में लगातार बातचीत कर रहे हैं? हर घर में कोई ना कोई देवी देवता या पुजारी को माना जाता है, तो आप देवी देवताओं से पूछ रहे हैं, पुजारी से पूछ रहे हैं, पंडितों से पूछ रहे हैं, सभी यही बता रहे हैं कि अभी बड़ा वाला बच्चा जिंदा है, आ जाएगा, कुछ टाइम बाकी है, अब देखो कब आएगा ये। अब आप तो यहीं सामने से मैं देख रहा हूँ कि नारगढ़ का रास्ता, तो इसी रास्ते से इसी रास्ते से गए थे और इसी रास्ते से नीचे उतर रहे थे, इसी से उतर रहे थे, उतरने के बाद में वो है नंबर, राहुल का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, स्विच ऑफ आ रहा है। आशीष से लास्ट हुई थी 1:30 बजे के बाद, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई, रिंग जा रही थी उसकी, सोमवार को सुबह 4 बजे तक गई रिंग, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो सर, ये रास्ता जो है वो जंगल क्षेत्र का है, तो कभी आपने उनको रोकने की कोशिश करी कि भाई यहाँ से मत जाओ, दूसरे रास्ते जाओ, ऐसा कभी हुआ? उनने मना कर दिया कि हम चल जाएंगे, आ जाएंगे, 1-2 बार पहले भी गए थे वो, ऐसे जानते हैं रास्ते को जानते हैं वो, रास्ते को जानते हैं। हाँ, ऐसे मोबाइल भी है उनके पास, दोनों के पास मोबाइल थे, वो बातचीत कर लेंगे, एक्सपर्ट थे वो बातचीत करने में, आने जाने में। अब पुलिस तो अपना काम कर रही है, हेलीकॉप्टर वगैरह, ड्रोन वगैरह, क्या कोई बीजेपी की सरकार है, यहाँ के विधायक या कोई मंत्री आपके समाचार पूछने आए, कोई आए आपके पास? आए थे, विधायक भी आए थे, पार्षद भी आए थे, बोल के गए थे कि आ जाएगा, चिंता मत करो। उम्मीद है कि राहुल, चलो अब जो दुखद घटना आशीष साथ हुई, चलो वो हो गए, अनहोनी को कौन टाल दे, लेकिन राहुल तो कम से कम सुरक्षित आए। सुरक्षित आए, यही बोल रहे हैं कि राहुल तो आ जाए एक बार, अब एक तो गए जो तो गए। कोई मांग, कोई विशेष आपकी मांग पर? मांग तो यही हो, बड़ा बच्चा आ जाए बस, और उस सब बात की बात है तो। बिल्कुल, उनके आप उनके चाचा, शायद चाचा लगते हैं, भाई उनके भाई है। आप सर क्या कहेंगे कि पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, क्योंकि 11 दिन हो गए हैं
कोई खास जो है रेस्पॉन्स आपको नहीं मिला था, टाइम से रेस्पॉन्स मिल जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस की सर्चिंग भी बहुत अच्छी है, सारी टीमें लगा के उन्होंने सर्चिंग की है, SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट और लोकल पर्संस बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा सर्च किया है, लेकिन राहुल का अभी तक कोई पता नहीं है। आप लोग भी सर यहाँ रहते हैं, मेरे को लगता है कि आप लोग के यहाँ जो लोकल लोग हैं वो भी रास्ते वगैरह जानते होंगे, आपने अपने स्तर पर भी चेक किया होगा? बिल्कुल, अपने स्तर पर भी पहले चेक किया है, पूरी कॉलोनी साथ में लग रही है, कॉलोनी के कम से कम 250-300 पर्सन एक साथ वहाँ ऊपर गए थे, सब ने सर्च किया है और सारी रात सर्च किया है, कम से कम 3-4 दिन तक लगातार कॉलोनी वाले साथ लगे हैं, वहाँ सारे सर्च कर रहे हैं, अभी भी वो निगाह बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं राहुल अपन को मिल जाए। सर ऐसा मैं भी गया था तो ऐसा लगता है कि क्या अभी भी राहुल वहीं कहीं हो सकता है, या हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ने उसको घायल कर दिया, उससे वो संपर्क नहीं पा कर पा रहा हूँ? जंगली एरिया इतना बड़ा है, जंगल एरिया, ऐसा नहीं हो सकता कि जंगली जानवर ने घायल कर दिया और वो नहीं मिले, क्योंकि इतनी सारी टीमें वहाँ लग रही हैं और 11 दिन से वहाँ सर्च कर रही है तो कुछ ना कुछ क्ल्यू जरूर मिल जाता। जंगली जानवर अगर घायल भी करता है तो कपड़ा, मोबाइल, चश्मा, जूते, कुछ ना कुछ तो उसका कोई चीज़ तो मिलती है, हो सकता हो वो वहाँ हो ही नहीं, हो सकता हो उसको कोई उठा कर ले गया हो सकता हो वो किसी के कब्जे में हो, मतलब बड़ी एक साजिश हो सकती है सर। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगोड़ी भी ज़्यादा है वहाँ पे, नशेड़ी भी बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई वढ़ाई में आशीष राहुल दोनों भाई साथ रहते थे, अच्छे पढ़ाई करते थे, क्या क्या बनना चाह रहे थे? दोनों भाई अच्छे काम कर रहे थे, एक ने M.Com फाइनल कर लिया था, दूसरा M.Com फाइनल ईयर में था और दोनों SK फाइनेंस में काम करते थे, दोनों अच्छा काम करते थे। वाकई राहुल और आशीष का जो घटना है वो वाकई बहुत ज़्यादा जो रहस्यमयी है वो बन चुकी है। 11 दिन हो चुके हैं, पुलिस की टीम, SDRF, सिविल डिफेंस सभी नारगढ़ की पहाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी राहुल का कोई सुराग नहीं मिला है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राहुल गया तो गया कहाँ से, लगातार शहर के CCTV चेक किए जा रहे लेकिन राहुल का कोई इनपुट नहीं मिला है, मोबाइल राहुल का स्विच ऑफ आ रहा है, परिजन इधर चिंतित है उधर पुलिस भी चिंतित है, क्योंकि पुलिस के सामने एक रहस्य में एक मिस्ट्री जो कह सकते हो कि मर्डर मिस्ट्री जो है वो सामने आ चुकी है। अब ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि जल्द हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और परिजन भी इस आस में बैठे हैं कि शायद उनको न्याय मिले, क्योंकि उनका एक बेटा आशीष तो चला गया लेकिन अब यही दुआ ये कर रहे हैं कि जो बेटा राहुल है वो सुरक्षित अपने घर पर लौट आए, और हम भी ये दुआ करते हैं कि राहुल जो है सुरक्षित अपने घर पर लौट आए। सही गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।